करनाल जेल के सामने सिक्योरिटी गार्ड को जेसीबी मशीन द्वारा जोरदार टक्कर मारने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे मामचंद नामक सिक्योरिटी गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि मामचंद सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और अपना कार्य खत्म करने के बाद वापस घर की तरफ जा रहा था, तो जेल के सामने जेसीबी मशीन द्वारा टक्कर मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी शिकायत पुलिस को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने जेसीबी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जेल के सामने कोई जेसीबी मशीन व्यक्ति को टक्कर मारकर घायल कर दिया है, जिसको अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि मौके से जेसीबी मशीन कब्जे में ले ली गई है और ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये मामचंद नामक मृतक व्यक्ति गांव कतलेडी का रहने वाला था और करनाल में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करता था, जिसकी उम्र 40 के करीब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। जेसीबी मशीन के ड्राइवर की तलाश जारी है। इधर इस दुर्घटना से मृतक मामचंद के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उसकी रात की ड्यूटी के जा रहा रही है। अच्छा। रास्ते में जैसे जेल के सामने से एक जेसीबी आई। ओके। जेसीबी ने इसको आगे जाओ तो उसका बम बम्पर होता ना, क्या बोलते हैं उसको, बकट। अच्छा। उसकी ऐसे टक्कर लगाई, वो जो आगे कंगारी होती हैं उसके छाती में लग गई। वो बता जा रहे भाई 8-10 फुट वही डाड़ी लगा दी। तो आज क्या कार्रवाई की जा रही? अभी पुलिस कार्रवाई चल रही है, पोस्टमार्टम चल रहा है अभी। अच्छा, तो उसके जेसीबी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है? जी हाँ, वो तो पुलिस वाले कह रहे हैं चल रही है, हम मामला दर्ज करवा दिया। जी हाँ। आपका क्या नाम है? मैं नाम जागुआन है। कल शाम को मेरे पास सूचना आई थी, जेल के सामने एक्सीडेंट हो गया, तो मैं वहाँ मौके पहुँचा। तो उस टाइम तक हॉस्पिटल में ले आए थे, मामचंद जी हैं कतलेडी के, उनको हॉस्पिटल में ले आए थे। तो मैंने फिर वो जेसीबी तो मौके से कब्जे में ले ली है और बाकी ड्राइवर फरार है, फिलहाल जल्दी पकड़कर पर्चा दर्ज कर दिया है। अच्छा। 304 का। तो यहाँ क्या कार्रवाई की जा रही? यहाँ पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है, सब परिजनों को सौंप दिया जाएगा। हाँ, अभी बस 10-15 मिनट में सब परिजनों को। जेसीबी कब्जे में ले ली? जेसीबी कब्जे में ले ली। ड्राइवर फरार है? ड्राइवर फरार है, ड्राइवर भी पकड़ लिया जाएगा। तो ये किस चीज पे था मृतक? ये बाइक पे था। अच्छा, कितने बजे का मामला? ये करीब 8:30-8 बजे का रात को। कितनी उम्र है उसकी? उसकी उम्र 38 साल। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।